कितना हाइपर हो चुका है मेरा गुस्सा। बिल्कुल चुप हो जा, मैं मार दूंगा साहनी को। आवाज नहीं। हाँ जी सर, मेरे को लिफ्ट चाहिए, 5 सेक्टर तक जाना है, प्लीज छोड़ दोगे? पक्का? हाँ जी। आपको रास्ता पता है? हाँ जी सारा पता है। सेक्टर 5 में किधर जाना है आपको? सर मार्केट तक जाना है मेरे को। मार्केट तक जाना है, लिफ्ट दे दो प्लीज, धन्यवाद। चलो बैठ जाओ, रास्ता पता है ना? हाँ जी सारा पता है सर। तो नवीन तू पीछे बैठ, इसको आगे बैठो। नहीं नहीं नहीं, आप आगे आ जाओ। आपको रास्ता पता है, हमें रास्ता नहीं पता। कोई नहीं, बैठो बैठो, आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। आज आपको ऐसी लिफ्ट देंगे, आप जिंदगी भर याद रखोगे कि अच्छे इंसान मिले थे। थैंक यू, धन्यवाद। बंद नहीं हुई है गाड़ी, ठीक है? हाँ जी, कोई आप, बात नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है सर। पूजा है आपका नाम? जी। अच्छा, मेरे को थोड़ी सी देर हो रही थी मार्केट। अच्छा, के लिए। क्या लेने आए हो आप मार्केट में? सर शॉपिंग करने आई थी। शॉपिंग करने आई हो? हाँ जी। ठीक है, आज करा देते हैं आपकी शॉपिंग। अच्छे वाली, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे वाली शॉपिंग कराएंगे, आप जिंदगी भर याद रखोगी। हमारे जैसे शरीफ लड़के मिलते कहाँ हैं? सर आज का टाइम बहुत ही ऐसा ठीक नहीं चल रहा, लेकिन आप जैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए मैंने। वैसे आपको यहाँ से ऑटो ई रिक्शा कुछ नहीं मिला? नहीं सर, काफी देर होगी खड़े खड़े। अच्छा, इसलिए मेरे को लिफ्ट मांगनी पड़ी। सर इधर जाना था, किधर जा रहे हो सर? मेरे को लेफ्ट जाना है। हद कर रहे हो आप तो, बिल्कुल मेरे को लेफ्ट जाना, आप इधर लेके आ रहे हो। अरे मैडम चल रहे हैं ना, इधर ही तो लेफ्ट है, हम तो लेफ्ट में टर्न किए हैं, उधर राइट था। सर ये तो गलत बात है आपकी, ऐसे कैसे कर रहे हो? नहीं लेकिन टर्न तो हमने लेफ्ट में, ठीक है उस तरफ जाना है। आप तो जबरदस्ती मेरे को कर रहे हो, इधर जाना इधर जाना। अरे मैडम ये लेफ्ट ही तो है, इधर ही तो मैं गाड़ी लेके मुड़ा हूँ, उधर तो राइट था ना। जाना था सर, हद हो गई आपकी, लिफ्ट मांगी। तो आप ये बोलो ना सीधा जाना है राइट जाना है, कुछ शॉर्टकट है, शॉर्टकट है, शॉर्टकट है, शॉर्टकट है, कोई कोई नहीं, कोई नहीं, लेके चलते हैं अभी। आप इधर फिर ले जा रहे हो, मैंने उस तरफ जाना है, आप इधर कैसे ले रहे हो? आगे से चलेंगे ना, आगे से कह रहे हो, कभी दाएं से कह रहे हो, अभी चल रहे हैं ना, अभी चल रहे हैं ना। मेरे को पता है हम आने जाने वाले हैं, डेली मेरे हस्बैंड के साथ आते जाते हैं, हमें नहीं पता रास्ता। अरे मैडम ऐसा ऐसा कुछ नहीं, हम ठीक जा रहे हैं, हमें पता है। कैसे पता है आपको रास्ता? मेरे को पता है, आप कैसे कह रहे हो? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम लेके चल रहे हैं सेक्टर 5 की मार्केट, हम भी यही घूमते, हमें पता है, हमें पता है मार्केट किधर है। देखो अब आ गए सीधे रास्ते पे, क्यों टेंशन ले रहे हो? आ गए ना? नहीं सर जो रास्ता मेरे को पता है, आपको इतना नहीं पता, फिर इधर ले रहे हो, सीधा जाने मैंने, फिर आप उधर ले जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात की बारे में? चुप हो गए, शांत हो जा। सर मेरे को प्लीज ले चलिए। चुप, बिल्कुल चुप। तेरे बाप की गाड़ी है ये? सर प्लीज, तेरे बाप की गाड़ी है क्या? इधर ले चल, उधर ले चल, मेरे को इधर ले जी, घर जाना, मार्केट ले छोड़ दीजिए प्लीज सर। भाई चुप हो जा, चुप साड़ी। सर प्लीज मेरे को छोड़ दो, ये मारूंगा उठा के सिर में। चुप हो जा, आज तो किडनैपिंग कर लेते हैं। क्या ले रहे हो बैग में? बैग में क्या ले रहे हो? बैग दो ये, बैग 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 दे दो ये पीछे। नहीं प्लीज सर, मेरे पास समझ में नहीं आ रही क्या? अभी बताते हैं, रुक जाओ, अभी सुनसान रास्ता भी आ गया है। ये बैग दे पीछे मेरे को, मैं ये बैग दे तू मेरे को, पहले उतार दीजिए मेरे को, ये उतार दीजिए। चुप हो गए, बैग अभी उतारेंगे तेरे को, ये बैग दे अभी उतार हुआ। चुप हो जा सर प्लीज, उतार दीजिए मेरे को, मेरे को डर लग रहा है प्लीज सर, उतार दीजिए। क्या बैग में क्या है? कुछ नहीं है सर, कपड़े बैग में बता दे, कपड़े हैं मेरे कुछ। चिल्ला मत नवीन, इसकी जुबान चुप करिए, ऐसे नहीं मानेगी, चिल्ला मत यहाँ पे। चुप हो गए, बैग जा, मोबाइल दे, मोबाइल दे अपना। मेरे पास मोबाइल नहीं है सर, मेरे को उतार दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही हूं, मेरे को ये बता दे, मैं आके चली जाऊंगी। शट अप, चुप, मैं साड़ी को मार दूंगा आपकी, मार, चुप सर प्लीज, बिल्कुल चुप। ये बैग दे अपना, बैग दे दे, कुछ भी नहीं है, कहां लेके जाएगी बगल में? नवीन अभी दे इसको बैग, ये चिल्ला रही है, अभी दे दे इसको, अभी नहीं देगा यार, इसको पता लगना चाहिए। बैग तो अभी देते हैं तेरे, बैग रुक जाना, अभी अभी देते हैं तेरा बैग। बैग में क्या है? कुछ नहीं है, मेरे कपड़े हैं सर, कुछ भी और नहीं है। कपड़े हैं, पैसे पैसे पैसे, फोन कहाँ है? पैसे फोन कहाँ है? सर नहीं है मेरे पास कुछ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं। ये कानों के निकाल। नहीं सर ये नहीं। चुप चाप निकाल दे, निकाल, बकवास नहीं, मेरे को निकाल जल्दी। यार ये तो बकवास करे जा रही है, चिल्ला मत, इसकी साड़ी की चीख चिल्लाहट मैं बनाता हूँ, यहीं पे लेके चलते हैं। आगे कोई हाथ नहीं जोड़ दू, मैं रिक्वेस्ट करते हैं आपके आगे, मुझे जाने। तेरा नाम बता, तेरा नाम क्या है? नाम बता, नाम बता क्या है? नाम पूजा सर। तो चुप, रोके मत, साड़ी ऐसे नहीं मानेगी नवीन।
ऐसे नहीं मानेगी इस गाड़ी को ना, एक मिनट रुक जा, अभी मैं साइड में लगा, मैं अभी बताता हूँ तेरे को, रुक जा। सुनसान है एक मिनट रुक जा, अभी बताते हैं, यहाँ पे लेके चलते हैं। मेरे इलाके में आ चुकी है, चुप हो जा। मैं तेरे को यहाँ पे काट के फेंक दूंगा, तू अभी मेरे इलाके में है, अभी बताऊंगा ना ये मेरा इलाका है, अभी तू ना मेरे इलाके में आ चुकी है, अभी आपसे कुछ नहीं कहूंगी। तू क्या कहेगी, तू क्या कहेगी, तू मेरे इलाके में अभी अभी यहाँ पे ना, चुप हो जा, चिल्ला मत, अगर तू चुप नहीं हुई तो तेरे को जान से मार दूंगा मैं, ये जल्दी, ये अब आ चुका है मेरा इलाका, बात सुन, चुप, पहले बात सुन, पहले तो नहीं सर, मैं कानों के निकाल के दे दे सर, नहीं भाई, ये ज्यादा रोने लग रही है इसका खेल, तेरा देख मेरी, पहले बात सुन, बात अगर रोएगी ना तो तेरा यहीं पे खेल खत्म करके यहीं पे फेंक जाएंगे, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे घर बैठे हैं, मेरी बात सुन, हमारा यही काम धंधा है, काम धंधा हमारा यही है, जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ मेरी बात सुन ध्यान से, मैं जो तेरे को बोल रहा हूँ ना मेरी बात सुन, पहले तू ध्यान से चुप हो जा, सुन ले, अगर तू ऐसे ही रोती रही ना तो तेरे को जान से मार दूंगा मैं, यहीं की यहीं पे मैं बता रहा हूँ, मेरे इतना हाइपर हो चुका है मेरा गुस्सा, बिल्कुल चुप हो जा, मैं मार दूंगा साड़ी को, आवाज नहीं, मैं चुप, इसका पर्स, तेरा मोबाइल किधर निकाल के देख, सर मेरे पास मोबाइल निकाल, क्या मोबाइल नहीं है मेरे पास, हम चेक कर लो कपड़े, इसमें मोबाइल नहीं है मेरे पास, मेरा घर रह गया, मैं जल्दी जल्दी मार्केट आई थी सर, मेरे बच्चे भाई, इसके बैग को रख पीछे, इसकी लेंगे बाद में तलाशी, बैग सर मुझे, अब नवीन इसका क्या करना है भाई, हस्बैंड वेट कर रहे होंगे, नवीन मैं तो बोल रहा भाई कानों के निकलो, नहीं पता क्या, अभी मेरी बात सुन नवीन, अभी बात पता क्या, अगर इसको हम छोड़ देंगे ना, अगर हम इसको छोड़ देंगे, पहले बात सुन, हाथ नीचे कर, ये हमारी कंप्लेंट कर देगी यार, ये कंप्लेंट करेगी, और हमारी गाड़ी का इसने नंबर नोट कर लिया होगा, गाड़ी का नंबर नोट कर लिया ना तूने, तूने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया मेरी का, आपके सामने बैठी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा सर, मुझे जाने दो, मैं आपके, नहीं गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, तू जाके हमारी पुलिस में कंप्लेंट भी करेगी, मैं कसम से अब नहीं करूंगी, मैं मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं मेरे, वेट नहीं, तू कंप्लेंट करेगी, मेरे पास फोन भी नहीं है, मैं क्या करूंगी, कहाँ से करूँ, नवीन इसको जिंदा छोड़ने का तो मतलब बनता नहीं सर, ऐसा मत करना, नहीं नहीं ना ना ना, जिंदा कैसे छोड़ देना, ना 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 रोड है, नहीं नहीं नहीं, जिंदा जिंदा तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं भाई, आपको क्या दूंगी बताओ, मैं गरीब हूँ, मैं इतना नहीं दे सकती, नहीं पैसे दे, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी बात सुन, तेरी जिंदगी बगैर, मेरे हस्बैंड मेरे को मिलने थे, पहले मेरी बात सुन, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ मिलने थे, सर ऊपर सेक्टर में मिलने थे, उनके पास पेमेंट है मेरे, अच्छा, पास में, अच्छा अच्छा, तो मेरी बात सुन, तेरे को हम जिंदा छोड़ सकते हैं, एक शर्त पे तू अपने हस्बैंड से जाके हमारे को 50,000 रूपए दिलाएगी, हाँ जी जरूर दिलाऊंगी सर, पक्का, एक बार मेरे को घर जाने दो बस, घर नहीं जाने देंगे नहीं, तुम्हें मार्केट में लेके जा रहे हैं, और अपने हस्बैंड को इशारा करके बुलाएगी, गाड़ी में बैठाएगी, चलो ठीक है, 50,000 रूपए देगी, हाँ जी पक्का, हाँ मेरे को छोड़ दोगे ना लेके पेमेंट, हाँ पैसे लेके तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुमने हमारी कंप्लेंट की कहीं पे, हाँ जी नहीं करती सर, पक्का देख ले, अगर तूने कंप्लेंट की तो तेरे को जान से मार देंगे, नहीं करूंगी सर, कसम से कह रही, मेरे बच्चे छोटे, नहीं करूंगी मैं, आपके आगे हाथ, नहीं मेरे पैरों के हाथ नहीं लगाएगी ना, आगे भी कह रहे नहीं करूंगी मैं, हाथ मत जोड़िए, विश्वास करके देखो, नहीं विश्वास चाहिए, पैसे चाहिए, मेरे पास अभी होते मैं दे दूंगी, पैसे 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 दो और जिंदगी लो, मैं दूंगी सर, एक बार अपने हस्बैंड से बात करूंगी, 50,000 रूपए बात नहीं, पैसे चाहिए 50,000 रूपए, हाँ या ना, फोन करूंगी लेके आएंगे तभी तो आपको दूंगी, एक बार फोन, तेरा फोन का, अपने फोन से कर, फोन तो तेरे पास होगा, फोन तो होगा तेरे पास, झूठ बोल रही है, नहीं है सर, मैं झूठ बोल रही है, फोन तो होगा, किसी से लेके बात कर दूंगी आपको पैसे, झूठ बोल रही है, फोन तो तेरे पास है, रोके मत दिया, मैं सच्ची में कह रही हूँ मेरे पास नहीं है पैसे, ना पर्स है, मेरा फोन घर पे रह गया सर, बस आपको झूठ नहीं बोल रही, मेरे को यही उतार दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरे पास होता तो मैं दे देती सर, क्यों झूठ बोलूंगी मैं आपसे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरे पास पक्का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, और कुछ नहीं है सर मेरे पास, भाई सोने के हैं कानों में, निकाल, नहीं सर ये जल्दी निकाल, दिए रखे प्लीज, जल्दी निकाल, छोड़ देंगे, मैंने क्या बोला तेरे को, निकाल दो ये, वरना जल्दी निकाल, निकाल जल्दी सर, मेरे पास हस्बैंड की निशानी, उन्होंने दे रखी, मैं कैसे, जल्दी दे दे, कान का निकाल के, मेरे पास नहीं जा रही है, ऐसे नहीं मानेगी भाई, नहीं है, मैं दे देती सर, मैं सच्ची कह रही हूँ, नवीन ये जाड़ी ठीक है ना इसको फेंकने के लिए, ना ऐसे मत करो, प्यार से निकाल देना तो हमने जबरदस्ती निकालने पड़ेंगे,
चलो सुनो ठीक है मेरी बात सुनो, मेरी बात ये मत निकालो, रो मत, एक काम कर तू जाए यहाँ से और तू ना पैसे दे देना 50,000 रुपए। हाँ सर मैं दे दूंगी आपको, जैसे कहोगे मैं हस्बैंड से बात करके आपको दिलवा दूंगी। चलो ठीक है ठीक है, जाओ आप को जाने दो, पर्स दे दो सर मेरा, जाओ पर्स दे दो भाई उसका। अच्छा रो मत रो मत, पहले बात सुनो, ठंडे हो जाओ, बिल्कुल कूल हो जाओ, हम आपके साथ, हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, मेरी बात सुनो, चुप हो जाओ पहले तो। हम इस टाइप के बंदे नहीं है, बताता हूँ, मैं यूट्यूबर, अच्छा तुम्हारे साथ एक ना सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये मेरा गोप्रो कैमरा लगा हुआ है इधर, देखो यहाँ पे ना ये कैमरा लगा हुआ है गोप्रो, ठीक है जी। हमने ये वीडियो बनाई है, अभी जब तुम हमारे पास गाड़ी में बैठे हो ना, हम जब आपके सामने से गए थे ना उधर, तो तुमने हमारे को लिफ्ट के लिए हाथ दिया था, हम ना रेड लाइट से यूटर्न लेके दोबारा आए थे। अच्छा, क्योंकि जब भी कोई अनजान आदमी से लिफ्ट मांगता है ना, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं, ये सबक सिखाना चाहते हैं कि अनजान लोगों से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे नहीं पता आपने लिफ्ट क्यों लिया, आप ये बताइए। चलो बस मेरे को सर इमरजेंसी थी, बहुत जरूरी, इमरजेंसी थी, घर में रह गया, फोन भी रह गया, कोई कोई बात नहीं, आप पैदल चले जाते, आप पैदल चले जाते, ये रिक्शा ले लेते, आपके बच्चों का फोन जल्दी घर पहुंचना था सर, मेरे हस्बैंड आपके थे ना मार्केट में, तो वहाँ पे पैसा था, मैं तभी लिफ्ट मांगी कि जल्दी पहुंच जाऊंगी सर। अच्छा ये बताओ ऐसे ऐसे लिफ्ट मांगना कौन सा ठीक बात है, आप सर आगे से मेरी बात सुनो, हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, हम गलत लोग नहीं है, हमारा चैनल है, आप चुप हो जाइए, आप बिल्कुल भी ना डरो, बिल्कुल भी ना घबराओ, हम कोई नुकसान नहीं करेंगे आपको, आपको सेक्टर 5 की मार्केट में ही हम आपको अभी छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे ये बताओ लिफ्ट लेना चाहिए नहीं, ऐसे अनजान से किसी से भी नहीं लूंगी, अनजान से तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, नहीं लेनी चाहिए सर, गलती। और फोन को हमेशा हाथ में रखा करो, कुछ पैसे भी हाथ में होने चाहिए सर, बस जल्दी जल्दी में, कोई नहीं आप अपने घर में जाके फिर ले आते, 1 किलोमीटर दूर आपके घर से वो मार्केट नहीं है मेरे ख्याल से, बस ध्यान मेरा फटाफट के चक्कर में मैंने आज खाली सर, आप मिल गए, हेल्प कर दी। चलो हमने कोई हेल्प नहीं की, हम अभी आपको सेक्टर 5 की मार्केट में सोचे, अभी ये बताओ ये वीडियो एक मैसेज के तौर पर अगर आप चाहो कि और किसी बहन को माताई को ये मैसेज मिले, अच्छा तो हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल दे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं, ताकि कोई ऐसे लिफ्ट अनजान से ना ले सर, डाल दीजिए, मैं ऐसे लेनी नहीं चाहिए, हमें खुद अच्छा नहीं लगता है, कोई किडनैपिंग के, मर्डर्स के, रेप्स के कितने केस होते हैं, वो इसीलिए तो होते हैं, फिर आपको भी थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती है समझने की, जान बन गई आज, पता नहीं क्या हुआ, आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूं। तो और किसी को भी मैसेज दो, ऐसे बैठना हाँ, चाहिए, लिफ्ट लेनी चाहिए, कभी किसी से लिफ्ट मत लेना, भूल के भी पैदल चले जाओ हाँ। लेकिन लिफ्ट भूल के भी किसी से मत लेना, अनजान से, अनजान बंदे से तो भूल कर भी लेना, जान पहचान तो गाड़ी का नंबर नोट जरूर करो, हाँ गाड़ी का नंबर नोट, फोन लो, जिस टाइम भी बैठो फोन अपने पास होना चाहिए, फोन लो और वहाँ पे फोटो, गाड़ी का नंबर फोटो निकाल लो नंबर प्लेट का, और अपने घर वालों के पास सेंड कर दो, और जिससे लिफ्ट ले रहे उसको भी बोलो कि मैंने आपकी गाड़ी का नंबर अपने घर पे सेंड कर दिया, मैं इस गाड़ी में बैठ के लिफ्ट यहाँ से यहाँ तक ले रही हूँ इमरजेंसी के लिए, धन्यवाद, जो भी लिफ्ट ले सोच समझ के ले, पहली बात तो कोशिश करो कि लिफ्ट ना लो, लेकिन कोई भी इमरजेंसी कुछ पड़ जाए तो अपनी सेफ्टी के साथ लिफ्ट लो। मैं नवीन कहीं पे जा रहे थे, इनका भी चैनल है नवीन जांगड़ा का, मेरा सोनू चौधरी के नाम से है, अगर आप बोलो तो मैं इस वीडियो को YouTube फेसबुक पे डाल दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं सर मेरे किसी का भला हो जाएगा, मेरे पीछे कोई बात नहीं सर, किसी हमारा मकसद यही है, किसी एक अगर एक इंसान की भी हम जान बचा लेते हैं ऐसे गलत जगह पे लिफ्ट लेने से बच जाता है, तो हमारा टारगेट पूरा हो जाता है वीडियो बनाने का, वीडियो डालने का और ये एक्सपेरिमेंट करने का। सर आप डाल दीजिए, मैं बोल रही हूं। और दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताओ क्या हमें ऐसी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, मुझे तो लगता है कि हमें अपने देश को जागरूक करना चाहिए, तो आप भी अपना फर्ज पूरा करो, वीडियो को शेयर करके, आप वीडियो को जहां भी देख रहे हो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है दोस्तों, बाय, ठीक है, अभी हम आपको छोड़ देते हैं सेक्टर 5 की मार्केट में, ठीक है, चले ठीक है।